मेरी वजह से उन बच्चों को कितनी चोट पहुंची होगी, कितना दर्द हो रहा था उन्हें, और मेरी वजह से किसी बच्चे को चोट लगी, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? और मेरी गलती तो थी नहीं, तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ कोई और किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ। आवाज कैसे आई? और ये इतने सारे नारियल नीचे कैसे आ गए? अपने आप गिर गए, बस मैंने ऐसे हाथ मारा। और गिर गए। हाँ? और सिर्फ ऐसे हाथ मारने से ये इतने सारे नारियल कैसे गिर सकते? देखो ना, मेरा देवा कितना भोला है। अब ये नक्कीस इसकी शरारत है, बड़ा नटखट है ये। नटखट परी की तरह। नटखट परी? ये नटखट परी कौन है? नटखट परी, देखो ना कितना भोला है मेरा देवा, परियों की बातें करता है। नहीं तो आप हमेशा इससे पुलिस की तरह सवाल जवाब करते रहते हो। ये नटखट परी कौन है और मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं उन्हें जानता हूँ? आओ देखो, घर चलते। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो कोई असाधारण बच्चे हो। ओए मानवानी। ओ जी सर। पूरे शहर में इतनी सी भी जमीन नहीं बची और जहां मैं अपना हैप्पी अपार्टमेंट और हैप्पी टावर खड़ा कर सकूं। नहीं सर, ताला है। हाँ ताला है ना सर जी, एक मिनट देता हूँ। तो लगा दे इस ऑफिस में और बंद करो इसको। और तेरे ऐसे निकम्मे पाले हुए, इतना बड़ा ऑफिस खोला हुआ है, बंद करो बेवकूफ। पापा जी। ओए मेरा बेटा, और तेरी उम्र हो गई ऑफिस आने की, खेलने नहीं गया आज? गया तो था पर भगा दिया उसने। ओए कौन है जिसने हैप्पी सिंह के पुत्र को भगा दिया? ओए जयवीर। जयवीर ने भगा दिया? मगर बेटा मैंने तो सुना है कि वो बड़ा ही अच्छा है, बच्चों का दोस्त है। नहीं वो बच्चों का दोस्त नहीं है, वो बिल्कुल भी बालवीर की तरह नहीं है। उसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, वो बहुत गंदा है। उसने हमें ना हवा में उड़ा दिया। अच्छा, वाह। हाँ, पापा जी। ओ नहीं बेटा नहीं, तू टेंशन ना ले, सीधा यहाँ से कार जा, बढ़िया परांठे खा, मैं उसको ठीक करके आता हूँ। जा बेटा जा। जा मेरे बेटा। ओए मानवानी, ओए लड्डू बटवा, ओए पूरे ऑफिस में। ऑफिस में ताला लगने की खुशी में? ओए बेवकूफा, ओए हमारी किस्मत के ऊपर जो ताले लगे हुए हैं ना, वो खुलने की खुशी में। ये ले, ये ले, ये तो पूरे ही है। एक काम कर, पहले 10 रुपये जाके सबको लड्डू खिला दे और पूरे स्टाफ को कह दे कि बालवीर की वजह से हमारे जिन जिन पार्कों की बिल्डिंग के काम रुके हुए थे ना, उन सबको स्टार्ट करा दे। अब आएगा मजा बिल्डिंग बनाने में। और नहीं ओए, गिराने में, क्योंकि मैं सबसे पहले उस डगली फैमिली के घर को गिराऊंगा, वहां पे शॉपिंग मॉल बनवाऊंगा। बड़ा मजाक उड़ाया था ना उन्होंने मेरा बालवीर के साथ मिलके, मधुमक्खी बनाया था ना मेरे को। अब जब उनका कार नहीं होगा तो कहां रहेंगे? सड़क पे रहेंगे वो, सड़क पे, क्योंकि बालवीर भी है नहीं अब तो बचाने के लिए। बहुत बुरी तरह से फंस गई है हम सब। अब हमें अपना सारा जीवन उस भयंकर परी की दासी बनकर ही बिताना होगा। हाँ, हमारे परिलोक को भयंकर परी से कोई नहीं बचा सकता, और वैसे हमारे सुंदर परिलोक को भयंकर परी ने काला भयानक लोग तो बना ही दिया है। पता नहीं अब अच्छाई और सच्चाई का सूरज कब उगेगा। बालवीर के अलावा रानी परी हमारी मदद कर सकती थी। बुराई का अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, परी अच्छाई और सच्चाई की
जरा सी रोशनी काफी होती है उसे मिटाने के लिए। हाँ परियो, आप सबको अच्छाई और सच्चाई पर से अपना विश्वास खोना नहीं चाहिए और ना ही हिम्मत हारनी चाहिए। हिम्मत ना हारे तो क्या करे बाल परी? बालवीर के अलावा रानी परी हमारी मदद कर सकती थी, पर अब तो दोनों हमारे साथ नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हम यहाँ से निकल के रानी परी को पावन नदी से आजाद करवाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन कैसे नटखट परी? भयंकर परी ने हमारे परीलोक से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नहीं, सारे रास्ते बंद नहीं हुए। परियो, आप सबको शायद पता नहीं, लेकिन अभी भी परीलोक से बाहर निकलने के कई सारे गुप्त रास्ते। गुप्त रास्ते? सच बाल परी, कहाँ है वो रास्ते? यही है, हमारे आसपास ही है। आइए हम आपको दिखाते हैं। सब पर ऐसे अचानक हुए हमले से बचने के लिए परीलोक में ऐसे कई सारे गुप्त रास्ते बनाए गए हैं। लेकिन बाल परी, हम सब इस रूप में तो इस छोटे दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। इसमें से जाने के लिए तो हम सबको भी छोटा होना पड़ेगा। पर ये सब बिना जादू शक्ति के संभव नहीं होगा बाल परी। और हमारी जादू शक्तियां भयंकर परी हमें कभी वापस नहीं देगी। लेकिन भयंकर परी मुझे तो मेरी शक्तियां दे सकती है ना? नाराज परी, बच्चे जब उदास होते हैं तो घर भी पूरा उदास हो जाता है ना सुधा? हाँ महेश, हमें बच्चों के मूड को बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बच्चों का मूड बदलने के लिए घर में कुछ बदल देते। हाँ, लेकिन क्या बदलेंगे? महेश, मुझे बदलने की बात कर रहे हैं? हाँ बापूजी, इनके बदले में क्या मिलेगा? श्वेता, तुम मुझे बदलने की बात कर रही हो? कमाल श्वेता, तुम्हें मेरे बदले में कुछ सामान चाहिए? अरे तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। बाबूजी, टीवी क्यों चेंज करना है आपको? टीवी तो अच्छा चल रहा है। अरे मैं टीवी बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल बदलने की बात कर रहा हूँ। एक का एक न्यूज देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो आपका दिमाग चेंज कर दें। मेरे दिमाग में एक बात आई है कि हम हमारा घर पेंट करते हैं। वैसे भी काफी समय से घर पेंट नहीं किया है ना। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। नए चमकते रंग देख कर शायद बच्चे खुश हो जाए। येलो कलर कर दे, पीला येलो है? नहीं तो ब्राइट ब्लू। अरे ब्राइट भी थोड़ी ना अच्छा लगेगा। हम एक काम करते हैं, पिंक कलर कर लेते हैं। अरे क्या हमेशा पिंक, हमेशा थोड़ी पिंक अच्छा लगता है। अरे लेकिन ब्लू भी तो अच्छा लगता है। अरे तुम दोनों ने फिर से झगड़ना शुरू किया। मेरे कहने का मतलब है कि हमको इस घर को कलर ही नहीं करवाना है। लेकिन क्यों बापूजी? क्योंकि अभी हम इस घर पे पैसे खर्च नहीं कर सकते। बेटा तुम्हें तो मालूम है, तुम्हारी माँ की जब तबीयत खराब हुई थी तब इस घर पे हमने कर्जा लिया था, तो उस कर्जे से इस घर को मुक्त करना है और इस घर को अपना बनाना है। क्योंकि मैं हमारे सात सच्चों के परिवार का घर किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अब बाल भी नहीं है तो जयवीर हमें पार्क में भी खेलने नहीं देगा। हाँ, और अगर हम दोबारा गए वो हमें और भी परेशान करेगा। पर करे भी तो क्या करे, कैसे रोके हम बिना बालवीर के उस जयवीर को? हाँ, और वो जयवीर भी सिर्फ रानी जैसे भूले बच्चों का साथी है। काश बालवीर वापस आता। हाँ, फिर वही सबक सिखाता उस जयवीर को। रहने दो, अब ऐसा सोचकर क्या फायदा, अब बालवीर हमारे पास वापस कभी नहीं आएगा। अगर बालवीर आ सकता था तो वो हमारा
होता। हाँ, हमारा मित्र बालवीर अब नहीं आएगा कभी हमारी रक्षा करने के लिए। परी ने हमारी सारी बातें सुन ली है और अब ये विश्वासघाती जाकर भयंकर परी को हमारे गुप्त रास्ते के बारे में बता देगी। हाँ, इनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है भयंकर परी की नजरों में ऊपर उठने। बताने दीजिए परी, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता नाराज परी, क्योंकि हम सब अच्छाई और सच्चाई के साथ हैं और उसे बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नाराज परी, आज हमारे पास हमारी शक्तियां होती तो एक पल भी नहीं लगाते आपको सजा देने में। नहीं बाल परी, सजा तो हमें मिलनी चाहिए इस विश्वासघाती पे विश्वास करने के लिए। इसे अपना माना और अपना साथी समझा। बालवीर ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे प्राण बचाए, तुम्हें अच्छा और सच्चा बनने का एक और मौका दिया, और तुमने क्या किया? तुमने आज ये साबित कर दिया है कि तुम्हारे ऊपर चढ़ी ये बुराई की कालिक अभी तक साफ नहीं हुई और ना कभी होगी। आपने अपने अच्छे होने की इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सच्चाई का साथ दिया, भयंकर परी को समाप्त करने के लिए हम सब परियों का साथ दिया, लेकिन अब जब भयंकर परी वापस आ गई है तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से आप सब कुछ भूल गए? नहीं बाल परी, ना ही मैं कुछ भूली हूँ और ना ही मैं बदली हूँ। आज भी मैं आप सबकी साथी परी ही हूँ। हाँ परियों, मैं आज भी सच्चाई और अच्छाई के पक्ष में ही हूँ, बुराई के नहीं। अगर ऐसी ही बात है नाराज परी, तो फिर आप भयंकर परी का साथ क्यों दे रही है? मुझे भयंकर परी का साथ देना पड़ रहा है बाल परी, मैं मजबूर हूँ। मैं उसका साथ इसीलिए दे रही हूँ ताकि मैं उसकी चाल को समझ सकूं, उसके खेल को जान सकूं, ताकि सही समय आने पर मैं आप सबकी मदद कर सकूं। और मुझे लगता है कि आज वो सही समय आ गया है आप सबकी मदद करने का। रुक क्यों गए तुम मानो? वो मेरी शूलेस खुल गई है, मैं अभी इसे बांध लेता हूँ। ये तेरे आई ने सामान की यादी दी है, वो फ्रूट्स की दुकान से ले लेना, तब तक मैं मछलियों की पेमेंट लेके आता हूँ, ये ले। हा? अरे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन बच्चों को जानता हूं। लगा मुझे अचानक ऐसा क्यों कि है जैसे बालवीर यही कहीं हमारे आसपास। देवा, क्या हुआ बल्लू, तेरे भी शूलेस खुल गए क्या? नहीं, वो मैं कैसे कहूँ कि मुझे लगा कि है मेरा मित्र बालवीर यही कहीं, क्योंकि जान लेता हूँ मैं अपने मित्र बालवीर को उसकी खुशबू से ही, पर अगर है बालवीर यही कहीं तो आता क्यों नहीं हम सबके सामने? चलो कि यहाँ ही खड़े रहेंगे। हाँ चलो।
चाहिए मुझे एक बार देखना, सुननी चाहिए मुझे मेरे दिल की आवाज, शायद हो सचमुच बालवीर यही कही। अरे बलू क्या हुआ, आना। मानो वानी तुम दोनों घर जाओ, अब मैं चाचा से मिल के आता हूँ। पर बल्लू जल्दी आना। हाँ चल। स्वादिष्ट लड्डू। चलो उधर करो पंखे की हवा। बराबर से हाको पंखा। प्रधान। हाँ प्रधान बनने का मजा ही है कुछ और। चलो डुबा डुबाओ, है हो गया समय तुम्हारे प्रधान के जाने का, विश्राम करने का। चलो करो पंखे की हवा अपने प्रधान को। तो कर क्या रहे थे इतनी देर से? मेरा मतलब है आप, चला जोर से करो पंखे की हवा अपने प्रधान को। ठीक है करता हूँ तेज। बहुत खूब। शैतान चीर, अरे उड़ा क्यों रही हो तुम मुझे? अरे डुबा डुबाओ, अरे बचा लो अपने प्रधान को, उतारो मुझे नीचे। ए चील चील उतारो मुझे नीचे। अरे शैतान नालायक बेरहम बेवकूफ। मेरी प्यारी चील, परिलोक के इस भयानक रूप में तुम्हारा स्वागत है। आज तुम्हारे यहाँ आने से पूरा परिलोक मुझे भयानक लोक की तरह लग रहा है। अरे टूट गई यहाँ मेरी कमर, और कर रही हो आप तारीफ उस मनहूस चील की? अरे बात के क्यों नहीं रखते आप इस बेरहम चील को? तुम अपनी जुबान बांध के रखो तौबा तौबा। जो भी किया इसने ठीक ही किया है, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे आलसीपन से। जब देखो खाते रहते हो और आराम करते रहते हो, अगर तुमने दोबारा काम चोरी की तो मैं तुम्हें भयानक लोग भेज दूंगी। अब परी भयंकर कर रहा था मैं आपका ही कार्य। तौबा तौबा, मैंने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं रखा है। है मालूम है, रखा आपने मुझे यहाँ राज करने के लिए। क्या मतलब? परियों और डुबा डुबा पे नजर रखने के लिए। हाँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतनी आसानी से वो मुझे अपनी रानी परी नहीं मानेंगे, और मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर रच रही हूँ। परियों, मैंने आप सबके साथ जो भी व्यवहार किया, जो भी अपशब्द कहे, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं आप सबकी साथी हूँ। नहीं नाराज परी, हम एक बार धोखा खा चुके हैं तुमसे,
इसलिए अब तुम पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है कि मौका मिलने पर फिर से तुम अपना पक्ष बदल दो। इसलिए तुम हमारी साथी हो, ये तुम्हें सिद्ध करना होगा। ठीक है अटकाती परी, अगर मैं आप सब परियों के जादुई दंड शस्त्रगार से वापस लाकर आप लोगों को दे दूं, तब तो आप लोग मुझ पे विश्वास करेंगे ना? नहीं, हमें तुम्हारी मदद से हमारे जादुई दंड नहीं चाहिए। लेकिन बिना जादुई दंड के ना ही आप इन गुप्त रास्तों से बाहर निकल पाएंगी और ना ही पावन नदी में कैद रानी परी को आप लोग आजाद करवा पाएंगी। नाराज परी, आप उस शस्त्रागार में से हमारे जादुई दंड कैसे ला पाएंगे? क्योंकि आपके खुद के पास आपका जादुई दंड नहीं है और बिना जादुई शक्ति के वो शस्त्रागार नहीं खुलेगा। मैं जानती हूँ बाल परी, और इसके लिए मुझे भयंकर परी से अपना जादुई दंड लेना होगा, और उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मैं जानती थी कि हमारी मदद के पीछे भी नाराज परी का अपना ही कोई स्वार्थ होगा। हाँ, ये हमारे दंड वापस देने के लिए नहीं, बल्कि अपना जादुई दंड पाने के लिए हमारी मदद करने का नाटक कर रही है। नहीं परियों, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये सब रानी परी को छुड़ाने के लिए और परीलोक को बचाने के लिए कर रही हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। परियों, मुझे लगता है कि नाराज परी पे विश्वास करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ रानी परी है जो परीलोक को बचा सकती है। हाँ, और उसके लिए हमारा उन तक पहुंचना और उन्हें छुड़वाना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है नाराज परी, हम सब आपका साथ देंगे, लेकिन याद रहे इस बार हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बताओ नाराज परी, तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड भयंकर परी से वापस दिलवाने में हम क्या मदद कर सकते हैं? परियों, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप सबको भयंकर परी के सामने मेरे साथ एक नाटक खेलना होगा। तबा तबा, मैं परियों को अपने खिलाफ कोई भी मौका नहीं देना चाहती, इसीलिए ये क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, क्या बात करती हैं, मुझे इन सब बातों की खबर चाहिए। ये परियां बहुत चालाक हैं, ये यहां से भागने की कोशिश जरूर करेंगी। जयवीर, कितने बच्चों को सताया और रुलाया आज तुमने? आंसू तो खुद निकल गए होंगे इसके, खुशी खुशी के आंसू निकल गए होंगे बच्चों को ऐसा रोते हुए देखकर, है ना जयवीर? हाँ भयंकर परी, आज मैंने बच्चों को उनकी गलती का अच्छा मजा चखाया, और वो मानो वो तो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। अब वो बालवीर को कभी याद नहीं करेगा। शाबाश जयवीर, इसी तरह बच्चों को सताते रहो, रुलाते रहो। वैसे भयंकर परी, एक बात पूछो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपका परीलोक पे तो कब्जा हो गया, तो फिर आपने रानी परी का अभी तक अंत क्यों नहीं किया? क्योंकि रानी परी में 10 महापरियों की शक्तियां होती हैं, जिसे मैं खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ धोखे से कैद कर सकती हूँ। पर जब तक वो कैद में रहेगी, परियां उन्हें आजाद कराने की कोशिश करती रहेगी। कोशिश करती रहेंगी जयवीर, लेकिन करा नहीं पाएंगी, क्योंकि पावन नदी के जिस सीप में रानी परी बंद है, उसे खोलने के लिए जादुई शक्तियों की आवश्यकता होती है। अब तो बालवीर भी नहीं है, तो कौन आजाद कराएगा? ये बिना शक्तियों वाली परियां कभी नहीं। अगर हो यहां तुम बालवीर, तो आ जाओ मेरे सामने। और ये रहा पपैया। तो फल अच्छे से पैक किए ना? हाँ भाऊ, सारे फल हो गए। हाँ जीतू,
ये आम की पेटी और ये फलों की थैली भाव के कार में रख के ये हाँ ये इसको भी ले जा भाव की गाड़ी में रख के जा भाव। वैसे ये कौन है? ये मेरा बेटा है देवा। अच्छा अच्छा पहली बार दुकान पर आया ना इसीलिए पूछ लिया। और ये आपके पैसे। थैंक यू भाव। चल लगता है भाऊ ने पैसे ज्यादा दे दिए। भाऊ भाऊ कोई बात नहीं अगली बार आएंगे तो लौटा देंगे। अरे देवा बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। देवा हो नहीं मैं कोई देवा हूँ मैं बल्लू। क्या मजाक कर रहे हो बेटा अभी भी तो तुम भाव के साथ मेरे दुकान पे आए थे। अरे कहा ना मैंने कि हूँ नहीं मैं देवा। अरे बेटा कपड़ा बदल लिया तो क्या शक्ल नहीं पहचानूंगा मैं अब... मेरे जैसी शक्ल मैंने तो लिया है बालवीर खाई रूप तो कहीं था नहीं वो बालवीर तो आप बता सकते हैं कि गया कहाँ वो देवा। क्या मजाक कर रहे हो बेटा तुम यहीं पे खड़े हो और पूछ रहे हो मैं कहाँ गया। अरे इनके साथ नहीं करना चाहिए मुझे समय खराब और ढूंढना चाहिए आगे। अरे 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 बेटा सुनो तो अरे फिर पैसे देने रह गए। बालवीर कैसे बताऊं मैं मम्मी पापा को आज जयवीर ने हमें इतना परेशान किया। अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो फिर वो कितनी परेशान हो जाएंगे। बालवीर तुम होते तो सब कुछ ठीक होता था हर एक बच्चा खुशी से रहता खुशी से खेलता किसी भी बच्चे के मम्मी पापा को कोई भी चिंता नहीं होती थी क्योंकि उन्हें पता था बालवीर कि हमारे बच्चों के साथ हमारा बीबी भी है। लेकिन बालवीर तुम्हारे बिगर मैं बहुत डर लग रहा है काश तुम वापस आ जाते बालवीर वापस आ जाते। ढोल की आवाज कहां से आ रही है? दोना सस्ता हो गया ये ढोल बजने की आवाज कहां से आ रही है? ढोल से महेश सॉरी 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 पापा ढोल की आवाज़ बहुत तेज होती जा रही है लगता है वो हमारे घर के पास आ रहे हैं। जी क्या जी ये कोई तरीका है किसी घर में जूते पहन के आ गए? माफ करना जी आया मैं जूते उतार रहे। हाँ जी ठीक है ना ठीक कौन हो तुम? मैं हैप्पी हूँ। हाँ तो मैं सैड हूँ। क्या हो गया? अब मुझे पेंशन नहीं मिली ना। ओए होए लेकिन मैं हैप्पी हूँ रवि मेरी सैलरी कल होने वाली है। ओह बढ़िया बात है जी मैं हूँ जी हैप्पी सिंह ठीक है ना ठीक। ओ जी अरे वाह बड़ा अजीब नाम है इसका ठीक है ना ठीक। ओए ओ इसका नाम ठीक है ना ठीक नहीं है इसका नाम है मानवानी। ओ मानवानी ओ इंट्रोडक्शन करा है मेरा। ओ जी अरे ये है हमारे सर जी जो है बिल्डर हैप्पी सिंह जी। अच्छा ये तो वही बिल्डर है जो बच्चों की खेलने की जगह पे बिल्डिंग बनाने वाला था लेकिन उल्टा बालवीर ने इन्हें मधुमक्खी बना दिया था। तो आप क्या शहर लेने आए यहाँ पे? अरे नहीं नहीं चंदा लेने आए होंगे ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुक जो गया है। एक मिनट एक क्या शहर चंदा मधुमक्खी लगाया हुआ है तुमने?
ना मैं यहाँ पे शहद लेने आया हूँ, ना चंदा लेने आया हूँ, मैं तो कार लेने आया हूँ। कार? हमारे पास कार नहीं है। कार कार? अरे एक कार का ठिकाना नहीं है, दो कार कहाँ से लाएंगे? ओए ओए रब्बा, ओए मानवानी, ओए समझा दे रहा इनको। ओ जी जी, कार नहीं, ये घर की बात कर रहे हैं, घर की। बिल्कुल बराबर बोला तूने मानवानी, मैं तुम्हारा ये कार लेने आया हूँ, और बल्कि लेने क्या आया हूँ, छीनने आया हूँ, छीनने आया हूँ, छीनने आया हूँ। मैं तुम सबको इस कार से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना? ठीक। ओ जी। ए गुलाम परियो, करो पंखे की हवा और तेज। नटखट परी, आज रात परी महल की निगरानी का कार्य तुम्हारा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आज सुबह से दूसरे काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए आज रात परी महल की निगरानी का काम तुम खुद करो। नटखट परी, तुम एक दासी होकर मेरा आदेश नहीं मान रही हो? अच्छा, तुम कौन सा परीलोक की कोई रानी परी हो, तुम बस एक दल बदलू परी हो, और अगर आज तुमने अपना दल नहीं बदला होता ना, तो तुम भी हम सब की तरह एक दासी ही होती। नटखट परी, मेरा आदेश ना मानने की जो तुमने जरूरत की है, तुम्हें उसका दंड जरूर दूंगी। दंड दूंगी? दे दू। लेकिन कैसे दोगी, तुम्हारे पास तो तुम्हारी शक्तियां हैं ही नहीं। अब आप ही बताइए परी, एक शक्तिहीन परी मुझे दंड कैसे दे सकती है ना? नाराज परी, शुक्र मनाइए कि इस समय तो भयंकर परी का राज चल रहा है इस परी लोक में, वरना सजा तो हम सब मिलकर आपको देते। और आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि परीलोक में विश्वासघात की क्या सजा है? विराम, विराम, विराम। अब कोई यहाँ मेरी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कहेगा। हाँ। भयंकर परी, भयंकर परी, देखा आपने, अभी तो आपके कहने पर इन सारी परियों की जुबान पे विराम लग गया। पर क्या आपको पता है, जब आप सामने नहीं होती तो ये सारी परियां मेरा कितना अपमान करती हैं, और मैं एक अकेली परी जो आपका साथ दे रही है भयंकर परी, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं ना, मेरे पास तो कोई शक्तियां नहीं है, इसीलिए मैं इनको कुछ नहीं कह पाती भयंकर परी। तो किसने कहा था बुराई का साथ देने को? देख लो, बुराई का साथ देकर तुम्हें अपमान के अलावा और क्या मिल रहा है? और नहीं तो क्या, अच्छाई का साथ दिया होता तो कम से कम आज हमारे साथ यहाँ सम्मान के साथ तो खड़ी रहती। सुना सुना आपने भयंकर परी, अभी तो आपके सामने ये सारी परियां मुझे इतना कुछ कह रही हैं, तो सोचिए जब आप मेरे साथ नहीं होती तब ये सारी परियां मुझे कितना तंग करती हैं, कितना परेशान करती हैं। भयंकर परी, काश मेरे पास मेरी जादुई शक्तियां होती, मेरे पास मेरा जादुई दंड होता, तो सारी परियों को मैं जवाब देती और इन सब के ऊपर मैं नियंत्रण रखती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जादुई दंड मेरे पास नहीं है भयंकर परी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, सिर्फ अपमान सुनना पड़ता है इन सारी परियों से। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड दूंगी। नाराज परी भले ही आपका साथ दे रही है, लेकिन वो है तो एक परी ही ना।
भयंकर देना परियों को उनका जादू दंड, हो सकता है आपके लिए खतरनाक। परी भयंकर, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ओ क्षमा, मैं तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ? शर्त? कैसी शर्त भयंकर परी? मेरी शर्त ये है कि इस दंड से तुम्हें इन बेचारी परियों पर वार करना होगा। सही कहा आपने परी भयंकर, इन्हें इतना दर्द और तकलीफ देनी होगी कि इनकी आंखों से आंसू निकल आए। बोलो, मंजूर है? ओ, ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और डगली साहब, अभी हिम्मत देखी गए आपने मेरी? ओ, मेरी हिम्मत तो तुम लोग तब देखोगे जब मैं तुमको तक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये घर हमारा है और हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ओए ओए छोटा सनी, ओए मैं तो डर ही गया था। ओए शुक्र है यहाँ पे हैंडपंप नहीं है, नहीं तो इसने तो उखाड़ देना था। मतलब समझाओ जरा। बोझी जी, वो एक फिल्म थी ना जिसमें हीरो यू हैंडपंप पकड़ता और यू उखाड़ के। पिक्चर की तरफ कहाँ चला गया, काम की बात समझा इनको। बोझी ये तो बच्चा है, आप तो समझदार है, आपने इन्हें बताया नहीं कि आपने इस घर पे कर्ज लिया हुआ है? सबको पता है कि हमने इस घर पे कर्जा लिया है और हम लोग वक्त पे चुका भी रहे, मगर अब आपको वो कर्जा चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप कैसे तय करेंगे, क्योंकि हमने कर्जा आपसे लिया नहीं है। ओ, बात तो आपकी भाई साहब बिल्कुल ठीक है, मगर बात ये है कि इन श्रीमान ने ये कार जिनके पास गिरवी रख के कर्जा लिया था उनसे इस कार के कागज मैंने ले लिए है। ये देखो ये रहे कागज। तो भाई साहब अब आपकी भलाई इसी में है कि आप टाइम वेस्ट ना करके तुरंत अपने पांडे टिंडे चौक के कार खाली करो। एक मिनट, आपको पैसे ही चाहिए ना, मिल जाएंगे क्यों महेश? ओए मानवानी, अब बड़े ही भोले हैं बेचारे ये लोग, और इनको पता ही नहीं है कि मेरे को इनसे पैसे चाहिए ही नहीं, और मेरे को तो ये कार चाहिए कार। देखिए इतना तो हमें भी पता है कि हमें पैसे चुकाने हैं, लेकिन वो पैसे चुकाने के लिए हमारे पास 2 दिन का वक्त है, इसलिए अभी इस घर पे आप कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए 2 दिन बाद आना और अपने पैसे ले जाना। हाँ, अब यहाँ से जाइए वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। 2 दिन चाहिए? और ले लो 2 दिन, और वैसे भी कौन सा 2 दिन में तुम्हारी लॉटरी निकल जानी है। और लेकिन याद रखना तुम लोग, 2 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, मगर अकेला नहीं आऊंगा, पुलिस भी लेके आऊंगा और बुलडोजर भी लेके आऊंगा और इस घर पे अपना कब्जा करूंगा। ओए, वो चुप क्यों हो गया तू? जवाब दे और बात कर, और बुला ले अब अपने बालवीर को जिसके दम पे उछल रहा था, लगा आवाज, बालवीर बालवीर बालवीर। चलिए ठीक है ना, ठीक और बजाओ बजाओ। ये लो अपना दंड नाराज परी। भयंकर परी से कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुम्हें अपना जादुई दंड चाहिए
तो फिर तुम्हें अपनी बुराई की वफादारी का सबूत देना होगा नाराज परी। इन प्यारी परियों पर वार करके। अरे नाराज परी, इतना सोच क्यों रही हो? जो जादुई दंड करो वार उन पे। आखिर तुम्हारे दिल में कहीं है तो नहीं इन परियों के लिए प्रेम? हाँ नाराज परी, क्या हुआ? अपना जादुई दंड नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं। चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि मैं बुराई की वफादार हूँ और रहूंगी। तो लो, अब करो इन अच्छाई की परियों पर अपना वार और उन्हें इतनी तकलीफ दो, इतना दर्द दो कि इनकी चीखें तीनों लोक में सुनाई दें। जल्दी क्या हुआ नाराज परी? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं तो नहीं भयंकर परी, मैं वार करने के लिए तैयार हूं। तो करो वार, साबित करो कि तुम मेरी बुराई की साथी हो। जी भयंकर परी। मुझे माफ कर दीजिएगा परियों, मुझे माफ कर दीजिएगा। वाह नाराज परी, वाह शाबाश नाराज परी, आज तुम अपने जादुई दंड और उसकी शक्तियों की हकदार बन गई हो। हो कहाँ तुम बालवीर, हो कहाँ तुम? है ये तो बिल्कुल बल्लू का ही रूप। इसका मतलब है ये हमारा बालवीर। हो के कितनी परियां खुश जब पता चलेगा उन्हें कि है बालवीर जीवित। जब पता चलेगा बच्चों को कि आ गया उनका रक्षक, तो होंगे वो कितने खुश। लेकिन लेकिन अगर है ये बालवीर, तो क्यों नहीं गया अब तक वो परीलोक? क्यों सुनने के बाद रानी परी की आकाशवाणी नहीं बताया उसने कि है वो जीवित? हो ना हो, अब कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि हो ना ये बालवीर, हो ये बिल्कुल बल्लू के जैसा कोई और। हो जो भी, लेकिन जानना पड़ेगा मुझे कि है क्या सच। हो सकता है हो ये जयवीर की कोई चाल। आई के लिए। अरे एक मिनट रुक, बड़ी मालदार पार्टी है। कौन सी पार्टी? यहाँ तो कोई पार्टी नहीं चल रही। पार्टी मतलब नोट वाली पार्टी। वो साथ में बच्चा दिख रहा है, उसे उठा लेते। अब मुझे क्या लगता है बॉस, बच्चे की जगह ना वो गाड़ी है ना, गाड़ी,
वो गाड़ी उठा लेते, उससे ना बहुत सारे पैसे देगा हमको। सोना जी अरे तुम लोगों को मालूम है हा? पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया हा? और गड़े हैं तुम लोग दोनों। अरे कम से कम बच्चे को उठा लेंगे तो मुंह मांगी कीमत तो मिलेगी, और बस बच्चे को उठाने के लिए पेट्रोल भी नहीं लगेगा। अब कैसे पता चलेगा मुझे यहाँ खड़े रह के? जाता हूँ वहाँ, पूछता हूँ उससे और जानता हूँ कि है क्या ये चक्कर। मुझे नहीं इसको, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। ऐसा निकाल, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे, ये लो, इसे छोड़ दो। सुन, इतने पैसे से कुछ नहीं होने वाला, समझा? अब तू यहाँ से घर जा और मेरा फोन का इंतजार करना। है अगर ये बालवीर तो उन बुरे लोगों को अच्छा मजा चखाएगा और चल जाएगा मुझे सच का पता। और मैं जब फोन करूंगा ना, पैसे लेकर मेरे बताए हुए जगह पर आ जाना। चल लेके चल इसको। अगर ये मास्क पहले पहना होता तो जब स्पाइडरमैन को देखकर भाग गया होता। हाँ, ये स्पाइडरमैन सबका दोस्त है और हम सब बच्चों का सुपर हीरो है। हाँ, तो स्पाइडरमैन को देखने जरूर जाएगा ना। अरे वानी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं क्या, हम दोनों मिलकर जाएंगे। स्पाइडरमैन देख, ये सारे बच्चे स्पाइडरमैन के फैन है। क्या इसका मतलब ये सारे बच्चे स्पाइडरमैन को हवा देते हैं? अरे बुद्धू, वो हवा देने वाले फैंस नहीं, वो उनको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इस हिसाब से तो पूरी दुनिया के बच्चे स्पाइडरमैन के फैन है, क्योंकि हम सब लोग उसे पसंद करते हैं। हाँ, ये ये चल चल चल। बेटा महेश, बधाई हो, बधाई। अरे वाह पापा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी। अरे मैं तेरे पापा को जन्मदिन की बधाई नहीं दे रहा हूँ। तो फिर दादाजी, अब पापा को किस चीज की बधाई दे रहे हो? क्योंकि आज तो पापा की एनिवर्सरी भी नहीं है। तू रॉकी की तरह क्यों बात कर रहा है बेटा? रुक बेटा, दादाजी को बोलने दे, उनको क्या कहना है। बोलिए बापूजी, आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा ये घर हमसे अब कोई नहीं छीन सकता, हैप्पी सिंह भी नहीं। जा, क्या बात है? अरे वाह, लेकिन बापूजी ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? हाँ बताइए ना दादाजी, प्लीज। क्या आज मेरी बैंक मैनेजर के साथ बात हुई, मैंने अपनी घर की कहानी बताई तो उसने कहा आप फिक्र मत करो, आपको अपनी डिपॉजिट मिल जाएगी और फिर भी पैसे अगर कम पड़ेंगे तो बैंक आपको लोन भी दे देगी। क्या बात है बापूजी, क्या बात है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बापूजी। चलो बापूजी, अभी चलते हैं बैंक में और पैसे लेके आते हैं। चलिए बेटा, अभी नहीं, अभी हम बैंक तक पहुंचेंगे ना, तब तक बैंक बंद हो जाएगी, इसलिए हम कल जाएंगे। ये अब हमसे हमारा घर कोई नहीं छीन सकता, हम इसी घर में रहेंगे। ये ऐसी बात पर कुछ मीठा बनाकर लेकर आते हैं। हां मीठा बना के लेके आओ बाबूजी। अब मेरी सांस में सांस आई है, नहीं तो एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि हमारा घर हमसे छीन जाएगा। और पापा, उस हैप्पी सिंह की शक्ल देखने लायक होगी जब हम उसे पैसे देंगे, है ना? ये अब वो हैप्पी सिंह को पता भी नहीं चलेगा कि हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। कहाँ पे अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? स्पाइडरमैन देख रहा हूँ। स्पाइडरमैन कहाँ पे स्पाइडरमैन देखना आपको? हाँ अभी बताता हूँ।
तुझे पता था ये यहाँ से आने वाला है? हाँ। तो मुझे वहाँ देखने क्यों कहा? फिर आपको पढ़ती कैसे? बस सॉरी बस वो क्या है ना, स्पाइडरमैन मूवी आने वाली, इसलिए मैं भी ना स्पाइडरमैन की तरह लटकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तू लटक के स्पाइडरमैन नहीं, बंदर लग रहा था बंदर। यार स्पाइडरमैन की बात ही अलग है, वो एक सुपर हीरो है, ग्रेटेस्ट सुपर हीरो एवर। इसलिए तो मैंने डिसाइड कर लिया इस बार मैं फर्स्ट डे पे जाके स्पाइडरमैन से मिलूंगा, मतलब स्पाइडरमैन देखूंगा। हाँ हाँ, मैं भी पापा को कह के अपने लिए टिकट बुक करवा दूंगा। हाँ जू की, पर जू में आपके लिए टिकट नहीं, पिंजरा बुक करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ राइट। चुप इडियट्स, मैं पापा को स्पाइडरमैन 2 की टिकट बुक करने ले कहूंगा। तो बस 2 टिकट एक्स्ट्रा बुक करवा देना। हाँ। प्लीज हमारे लिए प्लीज। हाँ, बस प्लीज। ठीक है देखूंगा। देखेंगे तो हम तुम्हें स्पाइडरमैन हीरो एक से देखेंगे। हाँ। बहुत मजा आएगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। अरे बॉस प्लीज प्लीज, अरे बॉस प्लीज। अरे कौन कस्टमर? अरे हे चुप चुप, देखो मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। रे चुप कर, जब हमको पैसा मिल जाएगा ना तब सब अच्छा हो जाएगा, समझा? और चुपचाप बैठ, समझा ना, वरना देखो मुझे गुस्सा मत दिला। ए चुप चुप, क्या करेगा तू? इतना मोटा रस्सी को तू कैसे तोड़ेगा? बॉस इसका दूध का दांत तक टूटे नहीं है, ये रस्सी तोड़ेगा। अच्छा अभी देखते हैं। अच्छा अरे बॉस मैं बोलता हूँ इसके जैसे 10 बच्चे लगेंगे ना तब भी रस्सी ना टूटेगी ये पिद्दी। जाओ यहाँ से। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब हम लोग नहीं तू चलेगा हम लोग के साथ। ओए कल किसी भी कीमत पे उनको बैंक से पैसे नहीं मिलने चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं सर जी, अब आजकल बैंक वाले कितना ब्याज लेते हैं, मैं उनसे जाके कहूंगा कि आप लोग हमसे पैसा ले लीजिए एकदम कम ब्याज में। ओए मानवानी, ओए हमने उनका कार्ड छीन लिया है, बचाना नहीं है, ठीक है ना? ठीक। लेकिन सर हम बैंक को उन्हें पैसा देने से कैसे रोक सकते हैं? ओए बेवकूफा, ओए बैंक को तो हम पैसा देने से नहीं रोक सकते, मगर इन लोगों को तो बैंक पहुंचने से रोक सकते हैं ना। हाँ मैं काम करता हूँ सर, मैं कल उनके घर की तरफ किसी भी रिक्शा ऑटो टैक्सी को जाने ही नहीं दूंगा। कुछ भी कर, मगर किसी भी हाल में वो लोग कल बैंक पहुंचने नहीं चाहिए, क्योंकि कल है शनिवार यानी सैटरडे, बैंक हाफ डे बंद, और संडे को तो बैंक पूरा दिन बंद रहता ही है। जब वो बैंक पहुंचेंगे ही नहीं तो पैसे कहां से निकालेंगे? ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक जी सर। ओए मानवानी, बुरा टाइम शुरू हो गया। आपका? ओए मेरा नहीं, ओए उन 7 सच्चों के परिवार का, क्योंकि मैंने उनको जो 2 दिन का टाइम दिया था ना वो संडे को खत्म हो जाएगा, और जब उनके पास पैसे होंगे ही नहीं तो फिर मुझे देंगे कहां से?
अब उनको जबरदस्ती वो कार खाली करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर जी। मैं अभी भी कह रहा हूँ मुझे जाने दो, इसी में तुम सबकी भलाई। अब तो हमारी नहीं अपनी भलाई के बारे में सोच। सबको सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन फिर भी तुम सब नहीं सुधरे। अब भुगतो। भुगतेगा तो अब तू। हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, छोड़ दो, हमको जाने दो। सच में अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, माफ कर दो हमें। हम किसी भी बच्चे को नहीं उठाएंगे, कसम से, छोड़ दो हमें। ठीक है, तुम्हें माफ भी किया और जाने भी दिया, लेकिन वहाँ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। गुंडों को ऐसे भेजने का स्टाइल तो सिर्फ बालवीर का है। लेकिन बालवीर तो है नहीं, कहीं बालवीर वापस तो नहीं आ गया? चलो जाके देखते। चलो है ये हमारा बालवीर ही। सही था मैं, है ये वही बालवीर, मेरा मित्र बालवीर, सबका प्यारा बालवीर। होंगी कितनी खुश परियां जब चलेगा पता उन्हें कि है बालवीर जीत। होंगे कितने खुश बच्चे जब चलेगा पता उन्हें कि आएगा उनका रक्षक फिर से उनकी रक्षा करने। बाबा बाबा, देवा 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 देवा, तू ठीक है ना बेटा? तू ठीक है ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। और वो गुंडे कहाँ गए? हाँ, गुंडे कहाँ? मैंने उनसे कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ? तो उन्होंने मुझे जाने दिया। हाँ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। चल अब घर चल, चल। हाँ? चल चल। हाँ, भाई अरे कहाँ बालवीर, अब ढूंढूंगा कैसे मैं उसे? अरे बालवीर, अरे रुको, चले जाओ तुम कहीं भी बालवीर, लेकिन ढूंढ के रहूंगा मैं तुम्हें। कालपरी संभालिए अपने आप। कालपरी कालपरी सुन, अच्छा परी नाराज परी। शुक्रिया तो मुझे आप सबका कहना चाहिए परी, कि आप सब ने मुझ पर विश्वास किया और मेरा साथ दिया। नाराज परी, अब आपको आपका जादुई दंड मिल गया है, तो अब आप हम सबको छोटा कर दीजिए ताकि हम गुप्तवार से परीलोक से बाहर जा सके। नहीं, मैं आप सबको छोटा नहीं कर सकती।
मैंने कहा था जादुई दंड मिलने के बाद ये अपने वादे से मुकर जाएगी। हाँ, हमें आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था नाराज परी। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं इस समय आप सबको छोटा नहीं कर सकती। अगर आप सब छोटे हो भी गए और रानी परी के पास पहुँच भी गए तब भी आप रानी परी को आजाद नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आप सबके पास आपकी जादुई शक्तियाँ नहीं है। लेकिन आपका जादुई दंड तो है ना नाराज परी, हम उसे साथ में लेके जाएंगे। नहीं भटकाती परी, अगर नाराज परी का जादुई दंड उनके पास नहीं हुआ तो भयंकर परी को हम पर संदेह हो जाएगा और फिर वो हमें रानी परी तक कभी नहीं पहुंचने देगी। हाँ, और सही समय देखकर मैं शस्त्रगार से आप सबके जादुई दंड वापस लेकर आऊंगी और फिर हम उसकी मदद से इस परीलोक के बाहर भी जा पाएंगे और फिर हम रानी परी को भी बचा पाएंगे। नाराज परी, शस्त्रागार में से हमारे दंड लाने में बहुत ही खतरा है, इसलिए हम चाहते हैं कि नटखट परी भी आपके साथ जाए। हाँ, एक से भले दो। मतलब छीनना चाहता है वो हमसे हमारा घर? हाँ, पर इस वजह से सब लोग कितना परेशान है। तो फिर बताया नहीं क्यों इसके बारे में मुझे? तू था क्या जो तुझे बताता? हाँ, वो गया था मैं बालवीर का पता लगाने। क्या? तुझे तो पता है ना बल्लू कि अब बालवीर नहीं है। अरे नहीं है बालवीर, और आएगा वो हमारी मदद करने। क्या, तुझे कैसे पता कि बालवीर है और वो हमारी मदद करने आएगा? क्योंकि देखा है मैंने उसे खुद। क्या, तूने बालवीर को देखा? हाँ, देखा है मैंने उसे खुद अपनी आंखों से। तुझे पूरा यकीन है ना कि तूने जिसे देखा वो बालवीर ही था? अरे खा नहीं सकता मैं धोखा बालवीर को पहचानने में, था वो बालवीर ही, इसलिए तो था वो मेरे जैसा। तेरे जैसा यानी बल्लू लल्लू की तरह दिखता था बालवीर? खुद को शीशे में देखकर समझ लिया तूने अपने आप को बालवीर? अरे नहीं, बल्लू ही है बालवीर। क्या, ये तो क्या बोल रहा है बल्लू लल्लू? अरे वो गया था मैं भूल कि छुपा है हम सब बच्चों के अंदर एक बालवीर, बस उसी की ताकत को बाहर निकाल कर करना है हमें उस बिल्डर का सामना। अरे करो मत तुम चिंता माना, हो जाएगा सब ठीक अंत में। ऐसा होगा ना बल्लू? अरे माना हो कहा ना कि मत करो तुम चिंता, मैं आता हूँ मम्मी और पापा को भी बोलकर कि अब ना करे वो चिंता। लेकिन अरे हाँ, उस स्पाइडरमैन की मूवी आने वाली है ना, इसीलिए ये सब पोस्टर्स लगाए हैं और हम उसे जरूर देखेंगे। अरे बच्चों के दोस्त स्पाइडरमैन की मूवी कौन मिस करता है? काश काश मेरे पास स्पाइडरमैन जैसी शक्तियाँ होती। अच्छा, तेरे पास स्पाइडरमैन जैसी शक्तियाँ होती तो उसका करता क्या? सिंपल, शैतान बच्चों का सबक सिखाता है ना पुकी? अरे नहीं मानव, अगर मेरे पास स्पाइडरमैन की शक्तियाँ होती ना वैसे पैदल नहीं आता, मैं भी उसके जैसे लटक लटक कर इधर उधर आकर आराम से स्कूल आता। हाँ, स्पाइडरमैन इज बेस्ट बिकॉज़ स्पाइडरमैन हमेशा लोगों को बुरी शक्तियों से बचाता है। हाँ, क्योंकि स्पाइडरमैन भी बालवीर की तरह बच्चों का दोस्त है। लेकिन बच्चों का बेबी भी तो हमारे बुलाने पे भी नहीं आता। कोई बात नहीं मानव, अब अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे ना हम स्पाइडरमैन को बुलाएंगे, वो जरूर हमारी हेल्प करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज स्कूल लेट पहुंचे तो सर से आज स्पाइडरमैन भी नहीं बचा पाएगा। चलो जोशी चलो। अरे अगर पिज्जा चाहिए था तो मांग लेते ना, तो छीनने की क्या जरूरत थी? अब छीन लिया तो दूस लो। I mean, हेलो। हाँ, बस एक फोटोग्राफ और एक ऑटोग्राफ,
अरे हाँ, अपनी शक्ल से अच्छा तो एक गिटम है। मोंटू बॉस, आप कब? कब आए, कब आए? आया हूँ, अभी आया हूँ। अब समझो, सारे अच्छे बच्चों का टेंशन शुरू। और हमारा भी। मतलब, अब आप आ गए हो ना, तो अब क्या टेंशन? तो बताओ, तुमने मुझे मिस किया? तुमने मेरा इंतजार किया? बॉस, आपको स्पाइडरमैन की फिल्म थोड़ी ना कि हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ, आप पिज़्ज़ा बर्गर थोड़ी ना कि हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा बर्गर मेरे पैसे से खाते हो और मेरा इंतजार नहीं कर सकते? अरे बॉस, आप आपके पैसे से हमें पिज़्ज़ा बर्गर क्या खिलाते हो, उसमें ताने क्या मारते हो? हाँ तो मारो ना बॉस, पिज़्ज़ा बर्गर के लिए हम दो चार ताने तो आराम से खा सकते। अच्छा, ताने खा सकते हो, जैसे थे वैसे ही हो, हमेशा अपने बारे में सोचते हो। मैं यहाँ स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन के आया हूँ, उसके बारे में कुछ तो पूछो। बॉस बताओ, आपने स्पाइडरमैन की ड्रेस क्यों पहनी है? वो क्या ना, स्पाइडरमैन मेरा सबसे फेवरेट है। और तुम्हें पता है, स्पाइडरमैन की पिछली वो चार फिल्म थे ना, वो सारी फिल्में देखी है मैंने। क्या बड़ी बात है बॉस, सच बात तो ये बस, अगर चारों पार्ट के भी स्पाइडरमैन को जोड़े ना, अभी आपके साइज जितना स्पाइडरमैन नहीं बनेगा। हाँ, अब एक स्पाइडरमैन की जगह बच जाएगी। हाँ। एक स्पाइडरमैन की जगह बचे या ना बचे, लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगे। केवल भागे भाग। तो दोस्तों, मैं वापिस आ गया हूँ। क्यों? ओ, हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। तू वापस आ गया मोंटू? हाँ, मोंटू तक एटलीस्ट लखनी वापस आ गया, और उसके साथ तुम्हारा बुरा टाइम भी वापस आ गया मानव, और इस बार तुम्हारा बुरा टाइम स्पाइडरमैन बनकर आया है। स्पाइडरमैन है गेंडा मैन। हाँ, ये मोंटू जाल फेंक के लटकेगा तो इसकी वजन से ही जाल टूट जाएगा। और वैसे भी मोंटू, तेरे ऊपर ना स्पाइडरमैन का कपड़ा सूट नहीं करता। स्पाइडरमैन सच्चा और अच्छा है, और वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है, और तू तू तो हमेशा बुराई का साथ देता है। बुराई मानव, तुमने बुराई से मुझे एक अच्छी चीज याद दिलाई है। क्यों ना जयवीर को बुलाया जाए, वो तुम्हें बुराई का अच्छा मजा चखाएगा। मोंटू कौन है बे? मोंटू कहाँ है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है मोंटू? सर क्या है? मोंटू, तुमने स्पाइडरमैन की ड्रेस क्यों पहनी है? वो क्या ना, स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है। फिर इस हिसाब से तो मुझे क्लास में बिना शर्ट के आना चाहिए था, क्योंकि मुझे सलमान पसंद है। मोंटू, तुम ऐसे कोई भी ड्रेस पहन के स्कूल में नहीं आ सकते, जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। सर, मैं नहीं पहन सकता। वो क्या ना, मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म खराब हो गई है, मैं जो भी आ रहा था भी मैं गड्ढे में गिरा, गड्ढे के अंदर टीचर था, टीचर की वजह से मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म खराब हो गई, तो मैंने स्पाइडरमैन को बुलाया, स्पाइडरमैन आया और खुद उसने मुझे ड्रेस दी। तुम झूठ बोल रहे हो मोंटू। सर, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? नहीं। तो एक काम कीजिए, अभी जाकर उस गड्ढे में गिर जाइए, स्पाइडरमैन आएगा फिर आपको भी ये ड्रेस देगा। तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरे हो मोंटू,
तुम अभी के अभी इस बेंच पे जाके कान पकड़ के खड़े हो जाओ छुट्टी होने तक। बेटा मोंटू तूने स्पाइडरमैन का नाम खराब कर दिया। बनने चला था सुपर हीरो, बन गया सुपर जीरो। मोंटू सिर्फ ये स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के ना कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमें तो स्पाइडरमैन से सीखना चाहिए कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और जैसे बालवीर और स्पाइडरमैन अपनी शक्तियों से बुराई से लड़ते हैं और हमेशा बच्चों की मदद करते हैं। तुझे बड़ी अच्छाई की चिंता हो रही है मानव, अब छुट्टी होने के बाद देखना मैं जयवीर को बुलाऊंगा और जयवीर तुम्हें बुराई का पाठ पढ़ाएगा और तभी मैं हंसूंगा। चल मानव मैं यहां से चलते हैं। अभी तो भाग लिए लेकिन कब तक भागोगे? स्पाइडरमैन भी बालवीर की तरह ग्रेट सुपर हीरो है। हाँ और है मुझे पूरा विश्वास कि हमारे बुलाने पे हमारी मदद के लिए आएगा स्पाइडरमैन। मानव मानव चल क्यों रहे हो तुम ऐसे इधर उधर देखते हुए चिंता में? वो मैं देख रहा था कि कहीं जयवीर तो नहीं आ रहे ना। जयवीर जयवीर यहाँ क्यों आएगा? तू भूल गई ना, मोंटू ने कहा था कि वो हमें परेशान करने के लिए जयवीर को भेजेगा और अगर जयवीर आया तो हमारी तो अच्छा फिर हम आगे देख देख कर चलेंगे। अरे मोंटू भी करता है अपने शरीर की जितनी बड़ी बड़ी बातें, नहीं आने वाला यहाँ कोई जयवीर। चलो नहीं जयवीर। और हाँ मोंटू जो बोलता है ना वो करके दिखाता है। क्या बोल, अपना पिज्जा खिलाने का भी वादा किया था लेकिन खिलाया था। हाँ बॉस अपने ये भी कहा था कि आप समझदारी वाली बातें करोगे लेकिन आपने वो भी नहीं की। चुप, ये सब बाद में, पहले मुझे जयवीर को बुला के इस मानव की चटनी बनाने दो। जयवीर 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 मुझे क्यों बुलाया मोंटू? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि बालवीर जब आता है वो अपने दोस्तों की मदद करता है और तुम्हारे होते हुए इस मानव ने तुम्हारे टीम के हाथी को मतलब साथी को बुला बरा कहा। हाँ, इस मानव ने तो ना मोंटू बॉस को गैस का गुब्बारा, पानी का टैंकर और जयवीर इस मानव ने तो मोंटू को ये भी कहा कि ये मोंटू है ना दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि इसने आपसे दोस्ती की। ऐसा करने के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी मानव, क्योंकि जयवीर अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। मुझे नीचे उतारो। जयवीर छोड़ दो मानव को। हाँ जयवीर प्लीज मानव को नीचे उतार दो, प्लीज प्लीज जयवीर मुझे नीचे उतार दो वरना से चोट लग जाएगी। ठीक है तुम सब कहते हो तो छोड़ देता हूँ। Run!
ये बार तो गया बेकार। क्या जावे? तुम भी ना मोंटू बॉस की तरह एक छोटा सा काम सही से नहीं कर सकते। मेरा ये वार मानव तुम्हारे होश उड़ा दे। सॉरी जेमी सॉरी। नहीं जेमी प्लीज ऐसा मत करना। मानव अब तुम वही खड़े रहोगे। जयवीर प्लीज मुझे नीचे उतारो। जयवीर छोड़ दो ना मानव को, जाने दो ना उसे। तुम्हें नीचे उतरना है? मैं अभी तुम्हें नीचे उतारता उतारता नहीं बल्कि गिराता हूँ। और इस बार तुम्हें बचाने के लिए नीचे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। नहीं जयवीर नहीं, प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज जयवीर। अब तुम गिरने के लिए तैयार हो जा। स्पाइडरमैन भी बालवीर की तरह ग्रेट सुपर हीरो है। हाँ, और है मुझे पूरा विश्वास कि हमारे बुलाने पे हमारी मदद के लिए आएगा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को बुलाने से भी कुछ नहीं होगा मानव, क्योंकि आज स्पाइडरमैन भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। स्पाइडरमैन, 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 दोस्त होने की सजा मिल गई है स्पाइडरमैन। उसे तो अच्छा सबक सिखा, लेकिन लगता है कि अब सबक सीखने की बारी तुम्हारी है।